हम 5 लाख रेड़ी पटरी वाले हैं, हमसे वादा किया था केजरीवाल ने कि अब आपको लेसन देंगे और आपको स्थान देंगे, आज तक तो हुआ नहीं। कह तो रहे हैं कि अगर फ्री चीज चाहिए तो हमें वोट दो। अरे फ्री में हमें नहीं चाहिए, हम पहले भी मेहनत करते थे और आज भी मेहनत करते। हमारी तरह कट्टर ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकता दिल्ली में, ये सब बेकार की बात है। ये तो जब वक्त बताएगा, जब हमारा बटन दबेगा। वैसे तो जिसको बीजेपी को आना चाहिए वे आएगी नहीं, कांग्रेस वही आएगी, कहते हैं वाजपेयी के साथ। सर मोदी सरकार को लेकर सब अपना काम सही करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है? महबूब अली। महबूब जी, ये बताइए इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी? अब हम तो एक समस्या में पड़े हुए कि आम आदमी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, लेकिन हमारा पूरा समर्थन जो है अब कैसे कांग्रेस को है। क्यों कि 70 साल दिए उसने, सीने पे खाई, इंदिरा जी ने खाई, राजीव जी ने खाई, बहुत काम किए। ये जो आज देख रहे हैं काम हो रहा है यहाँ पे, शीला दीक्षित की देन है, ये उसको पूरा करा है इन्होंने आम आदमी पार्टी, और कोई भी ये नहीं है। निजामुद्दीन जो दरगाह है ये कोई छोटी मोटी दरगाह नहीं है, और यहाँ पे आने जाने वाली जो गलियाँ हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, कैसे सफाई करने? सफाई होती है, बराबर होती है, सुबह शाम होती है और अच्छे से साफ सफाई करके जाते हैं। अब ये फकीर लोग हैं, खाना खाया फेंक दिया, बार बार थोड़ी सफाई होगी, सुबह शाम तो होगी, होती है। बराबर यहाँ पे सफाई की जाती है, ये MCD की तरफ से की जा रही है या फिर दरगाह का जो है? देखो MCD की तरफ से अपनी एक सुबह आता है, सफाई करके चले जाते हैं, शाम को फिर एक आते हैं ग्रुप आता है 4-5 बजे के बीच, 6 या 6 बजे, वो पूरी सफाई करके जाते हैं दरगाह के गेट तक। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सफाई की। जैसे कि आपने कहा कि जिस पार्टी ने देश में सबसे ज़्यादा राज किया और जिनके परिवार वालों ने जो है वो खाई, पर आज उसी कांग्रेस को लेकर तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि लोग भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप कांग्रेस या बीजेपी को वोट देते हो तो दिल्ली लुट जाएगी, इस तरीके की। क्योंकि हर बार पे अरविंद केजरीवाल ने, चाहे फिर वो गुजरात हो या पंजाब हो, वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। देखो भ्रष्टाचार किसमें नहीं है, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, जब तो अरेस्ट करा नहीं हुआ नहीं, वो दारू एक के एक बोतल के साथ एक फ्री है, उस टाइम तो हुआ नहीं, बाद में हो गया। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड होते हैं और कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कि हम 5 लाख हम 5 लाख रेड़ी पटरी वाले हैं, हमसे वादा किया था केजरीवाल ने कि अब आपको लेसन देंगे और आपको स्थान देंगे, आज तक तो हुआ नहीं। 5 लाख से ज़्यादा आदमी है रेड़ी पटरी वाला, निजामुद्दीन, कोलिया पुल, जामा मस्जिद, मीना बाज़ार, करोल बाग, ख्याला, रघुवीर नगर, हर जगह का मुझे मालूम है, लेकिन आज तक कुछ भला नहीं हुआ। उसने चाला में MCD के लोग भी नहीं सुनते हैं क्या आप लोगों की बातें? नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, बस माल लेके जब्त कर देते हैं, जिससे कि हमें 5,000 रुपये या 4,000 रुपये का हमारे रेड़ी का जुर्माना है। जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे रेड़ी पटरी को लेकर, क्या आपने ये शिकायत जो है वो MCD में लगाई है? MCD में भी लगाई है, सबको लगाई है, आगे विधायक है उनसे भी कहा है कि भाई ये आपने तो कहा था कि हमारी सरकार बनने दो MCD में, हम जो है रेड़ी पटरी वालों के लिए करेंगे, जो आपने जो दिया था हमें लिख के ये शर्तें हमारी है, इनको पूरा करें, कहाँ हुआ पूरा, कुछ नहीं हुआ। सब ये चुनाव के टाइम ही ऐसा होता है, तो वादे वो कह तो रहे हैं कि अगर फ्री चीज़ चाहिए तो हमें वोट दो। अरे फ्री में हमें नहीं चाहिए, हम पहले भी मेहनत करते थे और आज भी मेहनत करते, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं दिल्ली, हमें नहीं चाहिए फ्री में बसों में औरतों को फ्री कर दिया, हमारे लिए क्या करा है उन्होंने, बोलो। हम तो आज भी 25 रुपए का टिकट खड़े होकर लेके जाते, चिलमपुर का लेके जा, गांधीनगर लेते। सर आपको क्या लगता है कि ये महिलाओं को जो फ्री बस की गई है ये किसको करनी चाहिए थी? देखो एक तो ये है कि फ्री कर दिया तो एक तो सीट घेर ली उन्होंने अपनी, और एक दो बच्चे बैठा लिए, दूसरी भी घिर गई। अब बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ है, हमारी टांगों से नहीं खड़ा हुआ जाता, हम कितने परेशान हैं। जी हाँ, देना चाहिए, अगर कहो आप खड़े होकर जाइए, उल्टा जवाब मिलता है। अब औरत के मुँह क्या मुँह लगे बताओ, बुरखे पे बैठी हुई है, वो ओखला से आ रही है बाबरपुर के लिए, बोलिए आप भी तो वो कहने का मक। बिजली का बिल कभी ऐसे होता है भाई, वो तो जमा करना ही होगा, वो तो पेट भी देना पड़ेगा, कैसे भी हो बिजली का बिल तो देना ही होगा, इसमें तो कुछ वो है नहीं। नहीं, अब कहा जा रहा है ना, प्रचार किया जा रहा है कि जो फ्री चाहिए तो फिर आप बोलिए फ्री में, फिर सिर्फ जो है चुनावी स्टैंड होते हैं, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ वोट हथियाने के लिए होते हैं, वो अपना वो करेंगे कि हम ये फ्री दे रहे हैं, ये करें फ्री दे रहे हैं, मगर जनता महंगाई कहाँ जा रही है, आलू प्याज तेल का भाव कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को कोई नहीं देगा। इतना कट्टर ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकता दिल्ली में, ये सब बेकार की बात है। ये तो जब वक्त बताएगा, जब हमारा बटन दबेगा। लगता है कि जितने साल हमने आम आदमी पार्टी को दिए हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, क्या आपने देखा है कि निजामुद्दीन में इसकी पहल की गई हो या कहीं और? अरे कुछ नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, जो ये जितने भी अभी तक कार्य हुआ है, जो विकास हुआ है, वो शीला दीक्षित की देन है,
देख लो सिग्नेचर भी किसने, तो शीला दीक्षित पे सवाल उठा देते कि शीला दीक्षित एसी लगाकर बैठी हैं घर में, आज उनके घर में सभी के घर में कौन सा नेता ऐसा है इसके उनके घर में 100 से ऊपर तो धूम में बैठते सारा दिन। यहाँ देख लो आप, बारिश हो आंधी हो तूफान हो, यहाँ आपको खड़े मिलेंगे बारात के 10 बजे तक, और सुबह 6 बजे आते हैं हम यहाँ पे, मेहनत करते हैं खुद कमाते हैं। जो शीला दीक्षित को लेकर सवाल उठा देते आज उनके घर में एसी निकल रहे हैं, तो एसी कौन सी बड़ी बात है, 100 एसी वो 12 एसियों को लेकर बोलते थे 100 एसी। देखो ये बड़े लोगों के घरों में 100 लगाए 1000 लगाए, अबे हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो अपने आप से मतलब है कि हम 5 लाख लोग हैं और हमारा परिवार पीछे। प्लेटेड बाथरूम निकला, टॉयलेट सीट निकली, देखो जी ये सब बेकार की बात है, किसी के वो उखाड़ने से कोई फायदा कुछ नहीं, ये इस बार भरोसा उठ गया। हाँ ये तो सिर्फ आपको मैं पहले भी कह चुका कि हमारा वक्त अंगूठा बताएगा बटन, आने वाले फरवरी में जवाब। और आज हम पहुंचे हैं निजामुद्दीन की दरगाह पर, जैसा कि अब रोज जो है वो अलग अलग एरियो में जाकर हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता का क्या मूड है इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। और इसी दौर में हम यहाँ पहुंचे हैं निजामुद्दीन, यहाँ की जनता से बात करेंगे। क्या नाम है सर? मोनू। मोनू जी ये बताइए इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है जनता का, आम आदमी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी? वैसे तो जिसको बीजेपी को आना चाहिए वे आएगी नहीं, कांग्रेस वही आगे कहते हैं, वाजपेयी कमल ही आएगा। कमल ही आएगा, क्यों लगता है आपको कि कमल आना चाहिए? क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में, कंट्रोल उनके हाथ में, तो वही आएगा ना, कोई कितना भी कर ले, कितने भी अगर वोट भी हम उसको केजरीवाल को डालेंगे जब भी जीतेगी बीजेपी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं वो तो सबको ही पता है ना। तो मतलब हम, आप मान रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हाँ बिल्कुल है। हाँ और जब जब अन्य राज्यों में अन्य पार्टियां जीतती हैं वहाँ गड़बड़ नहीं होती है? जहाँ से इनको मेन मेन जगह से जिन्ना वहाँ तो गड़बड़ी करते हैं ना। ये बताइए ये गड़बड़ी कर कौन रहा है, मोदी कर रहे हैं या कोई और? वही है, और कौन करेगा, मोदी है। और क्या नाम है सर? मोहम्मद यामीन खान। जमीन जी ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में विधानसभा में किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों चाहिए, राहुल गांधी क्यों बढ़िया नहीं? राहुल गांधी भी ठीक है, मगर केजरीवाल ने अपना काम करा, बहुत बढ़िया काम करा है, दिल्ली के हॉस्पिटल बढ़िया करे हैं, सर सरकारी स्कूल जो हैं वो भी बहुत अच्छे करे हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं पढ़ाई की, बच्चे पढ़ते हैं तो जाके वो कुछ कर बनते हैं आगे जाके, मतलब भविष्य उनका चमकता है, तो इसलिए केजरीवाल इज़ द बेस्ट इन द दिल्ली। इसी के साथ दिल्ली में देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, जो मोदी सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार तो देखो सबको पता ही है, बोलती ज़्यादा है, काम थोड़ा कम है उनका, मगर अरविंद केजरीवाल इज द बेस्ट दिल्ली के हिसाब से। मोदी के बारे में क्या कहेंगे, वो चीज़ें जो है वो केंद्र में रहते हैं सही संभाल रहे हैं? वो ठीक है फिलहाल वहाँ के लिए वो ठीक है, मगर दिल्ली में जो मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल की सरकार आए और दिल्ली का जो निजाम चल रहा है मतलब ठीक है सही, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह और ये स्कूल वगैरह और जो सुविधाएँ हैं, कैमरे वैमरे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, दिल्ली में क्राइम कम हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है केजरीवाल इज द बेस्ट। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो अलग चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहेंगे कांग्रेस का जब टाइम आएगा तब उसकी सरकार आ जाएगी, मगर कांग्रेस मुझे लगता है अभी पीछे है, अभी यहाँ दिल्ली के हिसाब से केजरीवाल और जो भाजपा ये दोनों चल रही है अभी दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, या इन दोनों के बीच में अभी बोर्ड अधिनियम को लेकर, मतलब वक्फ बोर्ड अधिनियम जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से वो ज़मीन को लेकर कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, जो कुछ नियम बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड के, मुझे लगता है ये फालतू के फिसाद होते हैं, इससे आपस में भाईचारा ख़त्म हो रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, मोदी सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बना रही है, ठीक है वो हिंदुओं को ऐसा करती है कि चलो हम मुसलमान को डरा रहे हैं या धमका रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो तुम हमारे हित में आ जाओ, मगर ऐसा है नहीं, कुछ लोग जो समझदार हैं पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, जिन लोगों को कुछ पता नहीं है तो वो सोचते हैं नहीं ये ऐसा ठीक है सरकार जो कर रही है कि कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऐसा है। उनकी तरफ से जो योजनाएं लाई गई हैं घर वगैरह की, राशन दिया जा रहा है, वो भी तो केंद्र सरकार की तरफ से है, क्या वो सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही हैं? जी हाँ वो राशन हमें मिलता है और राशन मिलता है और काफ़ी लोगों का हमारे कस्बे में वहाँ पे बरेली क्षेत्र में काफ़ी घर आए हैं, बहुत लोगों ने बनाए हैं, वो अच्छा करा है मोदी सरकार ने, वो बढ़िया है। नौशाद अहमद सर ये बताइए इस बार दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी? आम आदमी पार्टी। सर आम आदमी पार्टी क्यों चाहते हैं? हर चीज़ की सुविधा है आम आदमी पार्टी के अंदर, लाइट की है, पानी की है, सब चीज़ की सुविधा है। इसी के साथ सर मोदी सरकार को लेकर क्या?
सब अपना काम सही करते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों को सुविधा मिली है वो आम आदमी पार्टी ने दी है। इसी के साथ जो कांग्रेस है जिसने आम आदमी पार्टी को दरकिनार करके कह दिया कि हम अकेले 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो इतना सब नहीं जानते, लेकिन जो पब्लिक चाहती है, पब्लिक जिसे जिताना चाहती है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आप अच्छा काम करो तो आपको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दिल्ली में देखिए शीतकालीन का सत्र चल रहा है जिसके दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखा जा रहा है, जो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आई है उस पर क्या? वो सब बड़े उलमा देख रहे हैं, हमारा काम नहीं है, सब बड़े उलमा देख रहे हैं, ये हम लोगों का काम नहीं। फिर भी आप क्या कहेंगे कि जो अधिनियम लाया गया वो ठीक है या नहीं? वो सब उलमा तय करते हैं, जो चीज़ चल रही है वक्फ बोर्ड का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उलमा हमसे बेहतर जानते हैं, वो सही फैसला लेंगे। मैं वही तो बताना चाह रहा, हर कोई सही काम कर रहा है, लेकिन पब्लिक जिसे सपोर्ट कर रही है वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं। किस और लोगों से बात करते हैं? एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है? मेरा इस्माइल खान। इस्माइल जी, ये बताइए इस बार दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी? मैम हम तो यहाँ से आए नहीं प्रॉपर, हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं सर, महाराष्ट्र में। हाँ सर, महाराष्ट्र में जो अभी रिसेंटली जो नतीजे आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारी इधर तो बीजेपी आया है और है ठीक ठाक, पब्लिक की चॉइस थी, इस हिसाब से इलेक्शन हुए वहाँ। आप ये बताइए सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी जो रिजल्ट सामने आया है, क्या वो पब्लिक के फेवर में है, पब्लिक नहीं ये? हाँ पब्लिक के फेवर में है, पब्लिक ने चाहिए इसीलिए वो पार्टी आई है, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं पब्लिक के चॉइस के बगैर। क्या कहेंगे, मोदी सरकार जो है वो बढ़िया काम कर रही है और जो तमाम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू किए गए थे उन पर काम हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। महायुति की जो जीत हुई है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़छाड़। हाँ वो तो हायर सिस्टम की बात है मैम, अपन क्या उस पर डिस्कस कर। मतलब जैसे कि अगर वो जीत जाते हैं तो सवाल नहीं उठते और अब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दो तरीके के दोहरा रवैया नहीं? जिस तरीके से रिजल्ट आए, रिजल्ट के ऊपर तो कोई भी सवाल उठाए गई, जितनी सीटें उन्होंने लड़ाए थे उसमें वो लोग 90% विन है, तो कोई भी साधारण इंसान कह रहे हैं ना कि हमारे काम का रिजल्ट है ये, हमने जनता के सामने जैसे कि लाड़की बहन योजना का जो है वो बहुत प्रभाव। हाँ हाँ लाड़की बहन योजना का है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और हुआ है, एक तरफा वोटिंग हुआ। तो सर ये जो वोट नतीजे आए हैं, लगता है महायुति अब जो है सरकार विकास के लिए काम करेगी? देखते हैं अभी आगे, अभी तक पहले भी तो सरकार रही है ना सर 2.5 साल। हाँ अभी तक के 2.5 साल तो ठीक था, अभी आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अभी मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंड नहीं, अभी तो फिलहाल सस्पेंड बना हुआ है, देखते हैं क्या।